कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइली आपके यहाँ पर हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि हिंदी का पेपर उपलब्ध करा फाइली आपके यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं और आप यहाँ पर देख लीजिए हम पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले हैं क्योंकि पूरा आपके यहाँ पर पेपर आ चुका है हिंदी का। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय हिंदी, पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है और आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य है। पंद्रह प्रश्न के मांग 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके लिए यहाँ 32 अंक आवंटित है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर हिंदी पेपर लाए हैं तो वीडियो को लाइक कर, ठीक है, आपको वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए जो आपके यहाँ पर हिंदी पेपर वो देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प का चयन करके लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने क्योंकि हम संपूर्ण, ठीक है, उत्तर सहित आपका पेपर कराने वाले हैं। तो पहला था पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आता प्रतीकों के लिए और ब आता चित्र विधान के लिए और सात आता बिंब विधान के लिए और द आता व्यंग्यार्थ के लिए। तो यहाँ पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर आपका रहेगा सा, ठीक है, बिंब विधान के लिए। तो आपको अच्छी तरह से याद करते जाना। फिर दूसरा था कौन सा रस सा हृदय के हृदय में और सा का संचार करता है, तो आपका आता करुण और बाता श्रृंगार और साता वीर और दाता बासल। तो यहाँ पर कौन सा रस सा हृदय के हृदय में और सा का संचार करता है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा, वीर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर दूसरे का सा करेक्ट आंसर रहेगा, वीर। अब आपका यहाँ पर तीसरा था बाजार दशम पाठ का केंद्रीय भाव है, तो आपको पता ही होगा कि जो यहाँ पर बाजार दशम पाठ का केंद्रीय भाव है वो है आपका बाजारवाद। ठीक है, तो इसका भी आपका आकरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आकरेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ए वाक है, तो यह तो ना आपका सरल वाक है और ना ही प्रश्नवाचक वाक है और ना ही आपका ये नकारात्मक वाक है, यह है आपका संयुक्त वाक, तो आपका चौथी का यहाँ पर आकरेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता आतीत में दबे पाँव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा, तो आपको बता दें कि जो आपका कोठार है वो अनाज जमा करने के लिए, ठीक है, तो आपका इसका साकरेक्ट आंसर हो जाएगा अनाज जमा करने के लिए, तो अच्छे से याद कर लीजिए। और छह माता इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है, तो जो आपका यहाँ पत्रकार का प्रकार नहीं है वो है आपका संवाददाता। ठीक है, आपका यहाँ पर 6वें का साकरेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो आपके 6 नंबर के सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन करके लिखिए, 7 नंबर के आते हैं। तो आपका पहला आता है तुमने डॉट डॉट को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, तो इसमें आपका आ जाएगा भाषा। फिर आपका दूसरा आता है श्रृंगार काल का अन्य नाम डॉट डॉट है, तो यहाँ पर श्रृंगार काल का अन्य नाम आपका है रीतिकाल। ठीक है, तो इसका रीतिकाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा आता है काव्य में बिंब को डॉट डॉट माना जाता है, तो यहाँ पर काव्य में बिंब को, ठीक है, बिंब चित्र माना जाता है, तो इसमें आपका जगह बिंब चित्र, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर चौथा आपका आता है बाजार में एक डॉट डॉट है, तो यहाँ बाजार में एक जादू, ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर जादू है, तो आपका जादू करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे डॉट डॉट शब्द युग्म कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका पुनरुक्त शब्द युग्म। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पुनरुक्त शब्द युग्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 6वां आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी डॉट डॉट हो गई, तो इसका आंसर रहेगा सुस्त। ठीक है, आपके यहाँ पर सुस्त आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है 7वां संपादकीय को डॉट डॉट की आवाज़ माना जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा आम जनता। ठीक है, ये आपका इसका आम जनता करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 7 नंबर के रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। पहले में आपका भाषा, दूसरे में आपका रीतिकाल और तीसरे में आपका बिंब चित्र और चौथे में आपका यहाँ पर जादू। ठीक है, 5वें में आपका हो जाएगा पुनरुक्त शब्द युग्म और 6वें में आपका यहाँ पर सुस्त और 7वें का आंसर आपका हो जाएगा आम जनता। तो अब चलिए आपका यहाँ पर जो प्रश्न 3 है वो देख लेते हैं, तो आपको अच्छी ऐसे पूरा पेपर याद करना। ठीक है, प्रश्न 3 आता सही जोड़ी बनाकर लिखी, 6 नंबर की आती हैं, स्तंभ अवबा में आपकी दिए हैं सही जोड़ी। पहले आती है कविता के बहाने, तो इसे मैच कर देना आपको कुंवर नारायण से। ठीक है, जो यहाँ पर कविता के बहाने के लेखक हैं वो है कुंवर नारायण। फिर दूसरा था महाकाव्य, महाकाव्य आपका कामायनी, ठीक है, कामायनी है जो महाकाव्य, तो आपको महाकाव्य को कामायनी से मैच कर देना है। जो तीसरी आती भक्तिन, तो भक्तिन को मैच करना आपको महादेवी वर्मा से। ठीक है, जो भक्तिन पाठ के लेखक हैं वो है महादेवी वर्मा।
चौथा आता है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य प्रकार होते हैं वो होते हैं आठ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आठ से मैच कर देना। तो पांचवी आती है जूझ, तो जूझ को मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए डॉक्टर आनंद यादव, जो जूझ यहाँ पर जूझ के लेखक हैं वो है डॉक्टर आनंद यादव। और जो छवां आता है विशेष रिपोर्ट का प्रकार, तो प्रकार होते हैं तीन, ठीक है। विशेष रिपोर्ट का प्रकार तीन होते हैं, तो आपको तीन से मैच कर देना। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रश्न चार आता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सात नंबर के आते हैं, पहला आता राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है, तो पहले का आंसर आएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। आप यहाँ पर देख ली पहले का आंसर आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये आपका पहले का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था विस्तृत कलेवर वाली काव्य को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर विस्तृत, ठीक है, विस्तृत कलेवर वाली काव्य को महाकाव्य सॉरी प्रबंध काव्य कहते हैं। तो दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा प्रबंध काव्य। फिर आपका आता है एकांकी में कितने अंक होते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो एकांकी में एक अंक होता है, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका एक हो जाएगा। फिर चौथा आपका आता है बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं, तो यहाँ बद्री केदार के रास्ते सॉरी आप यहाँ पर देख लीजिए बद्री केदार के तंग रास्ते हैं, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथे का आंसर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर पाँचवा आता गगर में सागर भन्ना मुहावरे का अर्थ लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा थोड़े से ज़्यादा कहना, ये आपका हो जाएगा अर्थ, ठीक है, थोड़े से ज़्यादा कहना। अब छवां आपका आता रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी, तो छवें का आंसर आपको हो जाएगा किसनदा, ठीक है, किसनदा आपका छवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, आंसर सातवें का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये आपका यहाँ पर एक शतवाक्य में का सॉल्यूशन है, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर आपके आते हैं सत असत का, ठीक है, सत असत आते हैं। छः नंबर के पहला आता है बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते, तो पहला आपका असत हो जाएगा। फिर दूसरा था गैर मुक्तक को, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए गैर मुक्तक को प्रगीत भी कहा जा सकता है, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। फिर तीसरा था सीरीज को अवभूत कहा गया, तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। और चौथा आता लोकोक्ति को कहावित भी कहते हैं, तो चौथा भी आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। पांचवा आता मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। जो छह माता नाटक की मूल विशेषता समाज का बंधन बिल्कुल ना होना है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं, जो आपका पहला है और आखिरी ये दोनों असत्य रहेंगे और बाकी आपके सत्य रहेंगे, ठीक है। अब आपका छवां क्वेश्चन आता है नई कविता के दो कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम लिखिए, अथवा आता प्रगतिवाद की दो विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए, जो इनके आंसर वो भी हम कराने वाले हैं। वीडियो आपको पूरा देखना, सभी आंसर आपको सभी क्वेश्चन के आंसर कराए जाएंगे। साथ ही आपको PDF कहाँ से डाउनलोड करना वो भी हम बताने वाले हैं, तो आपको वीडियो पूरा देखना। आप यहाँ पर देख लीजिए सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, आठवां कोई दो खंड का उनके रचनाकारों के नाम लिखिए, अथवा था ओजगुण संपन्न कविताओं की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और फिर आपका नौवां क्वेश्चन आता है नौवां क्वेश्चन देख लीजिए, दसवां क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। फिर ग्यारहवां था लेखक महादेव वर्मा के अनुसार भक्तन के जीवन का परम कर्तव्य क्या था, इसका अथवा था पार्सेजिंग पावर शब्द में निहित लेखक जयेंद्र कुमार का आशय लिखिए। फिर आपका आता है बारहवां क्वेश्चन, ठीक है, देख सकते हैं, और आप इनके स्क्रीन शॉट ले लीजिए। और PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना बताने वाले हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए राजभाषा की दो प्रमुख विशेषताएँ लिखिए, अथवा आता है राष्ट्रभाषा की दो प्रमुख विशेषताएँ लिखिए। फिर आपका आता है चौदहवां क्वेश्चन, तो चौदहवां क्वेश्चन देख लीजिए, पंद्रहवां क्वेश्चन देख लीजिए, संवाद के लेखन के बारे में लिखिए, अथवा आता है इंटरनेट की प्रमुख सीमा अथवा दोष लिखिए। सोलहवां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित बिंदु के आधार पर तुलसीदास अथवा रघुवीर सहाय के साहित्यिक की कविता विशेषताएँ लिखना, आपको दो रचना भावार्थ साहित्य में स्थान लिखना है। फिर आपका आता है सत्रहवां क्वेश्चन, तो इसमें भी आपको दो रचना भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना, महादेव वर्मा अथवा जयनंद कुमार दोनों में से आपको एक पे लिखना है, ठीक है। फिर आपको अठारहवां क्वेश्चन आता है पुस्तकालय हेतु आवश्यक पुस्तकों हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए और इसका अथवा लिख लीजिए। फिर आपको उन्नीसवां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित आपठित, ठीक है, गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर लिखिए, तो ये आपका यहाँ पर दिया है गद्यांश, तो इसे पढ़ लेना है। अब इसके जो प्रश्न है वो देख लेते हैं, तो अच्छी तरह से आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आते हैं उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए और विवेकानंद जी का विरोध किसके प्रति था लिखिए। और तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जो अथवा आता है जो कि आपका यहाँ पर काव्यांश आता है, तो इस काव्यांश को ध्यान से पढ़ लेना। इसके तीन क्वेश्चन आते हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, सिर्फ आपको काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है।
फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है तो 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका यहाँ पदांश दिया है तो इसकी आपको संदर्भ प्रश्न से आपको व्याख्या लिखनी है जो कि आपका चंद नंबर क्वेश्चन रहेगा। तो जल्दी से इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग प्रसंग एवं विशेष साहित्य लिखिए। तो आपको यहाँ पर गद्यांश आता है तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग से आपको व्याख्या लिखनी है। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है तो इसमें आप यहाँ पर देखते हैं नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति संबंध में शिकायती पत्र लिखिए और इसका अर्थ देख लीजिए। और 23वें क्वेश्चन में आपको निबंध लिखना रूपरेखा सहित। तो इस तरह से पूरा विभाग आपका कंप्लीट हो जाता है। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप में भी हम PDF डाल देंगे और PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपके प्रश्न हैं इन प्रश्न का उत्तर आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में टेक इन, बाय बाय।